क्या आप जानते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर यानी सिरके के कितने सारे ब्यूटी हैक्स हैं? Keep watching. Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. थैंक यू सो मच, मेरी वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक करते हैं, उन पर कमेंट्स करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं. सब्सक्राइब करते वक्त प्लीज़ नोटिफिकेशन को बेल को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी मेरी वीडियो आप मिस ना करें. आज आप देख रहे हैं कि ये एक बॉटल मेरे पास पड़ी हुई है, इसके अंदर है एप्पल साइडर विनेगर जी, यानी सिरका, जो कि तकरीबन हर किचन में मौजूद होता है. और इसे सिर्फ हम सैलड्स, कचूमर, अचार और चटनियों में ही यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं. स्पेशली इसके इतने सारे ब्यूटी हैक्स हैं कि मैं सोच रही थी कि कौन कौन सा ब्यूटी हैक आज मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्यूटी हैक्स निकाले हैं आज इस वीडियो में. तो देखिए वो कौन कौन से हैं. जब हमारे फेस पर छोटे छोटे से पिंपल्स निकलते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, और अगर उनका हम ख्याल नहीं रखते तो वो बहुत बड़ी एक्नी यानी बहुत बड़े पिंपल्स और दानों में तब्दील हो जाता है. फिर उसमें इन्फेक्शन होता है, फिर अगर उसको नोचा जाता है तो फिर तो बहुत ही गहरे स्कार्स और निशानात पड़ जाते हैं उस पर. तो बेस्ट इसका तरीका ये है कि जब कभी आपको फ़ील हो कि आपके फेस पर छोटे छोटे से दाने निकले हैं या कोई पिंपल निकला है, तो फ़ौरन से थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कीजिए और उसका पेस्ट बनाकर एक क्यू टिप की मदद से उस दाने पर, उस ब्रेकआउट पर लगा लीजिए. रात भर लगा रहने दें, सुबह फेस वॉश कर लीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो दाना भी ख़त्म हो जाएगा और उसका निशान भी नहीं पड़ेगा. इनग्रोन हेयर यानी वो छोटे छोटे से बाल होते हैं, आपने नोट किया होगा कि अक्सर हम जब वैक्सिंग करवाते हैं तो उसके बाद छोटे छोटे से काले काले से उभरे हुए डॉट्स बन जाते हैं. वो बाल जो गलत डायरेक्शन की वजह से वो निकलते नहीं हैं, वो एक्चुअली बाल होते हैं जो टूटकर ऊपर से उनकी जड़ें स्किन के अंदर ही रह जाती हैं. तो अगर उनको आप चाह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाएं, तो जब कभी भी वैक्सिंग करवाएं तो उसके नेक्स्ट डे थोड़ा सा कॉटन पर एप्पल साइडर विनेगर लगाइए, उसको रब कीजिए और 15 मिनट के बाद आप उसको धोकर और थोड़ा सा स्क्रब कर लीजिए उस जगह पर. तो उससे ये होगा कि एप्पल साइडर विनेगर की जो एसिडिटी होती है वो स्किन के डेड सेल्स को झड़ने में बहुत हेल्प करती है, और जब हम उसके बाद स्क्रब करते हैं तो वो डेड सेल्स झड़ जाते हैं और वो इनग्रोन जो हेयर होते हैं ना छोटे छोटे, वो आराम से बाहर निकल आते हैं. तो इस तरह से आप नेक्स्ट टाइम जब भी कभी वैक्सिंग करेंगी तो आपको लगेगा कि सारे बाल निकल जाएंगे आप, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा वैक्सिंग का. अक्सर हमें चोटें लगती रहती हैं, कभी कोई ऐसी चोट लग जाती है कि जिसमें नील का निशान रह जाता है, यानी उसका ब्रूज पड़ जाता है. तो अगर वो ब्रूज ख़त्म करना हो तो जब कभी कोई चोट लगे उस पर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर कॉटन पर लगाकर उसको टैप कर दीजिए, तो वो नील का निशान जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा. एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत अच्छा टोनर का काम भी देता है, और टोनर तो यकीनन पता होगा आपको कि टोनर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है कि जब हम अपने फेस को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं क्लेंज़र से किसी से, तो उसके बाद ये जो टोनर होता है वो हमारे स्किन के पीएच लेवल को बहुत बैलेंस करता है. एप्पल साइडर विनेगर के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं कि वो हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखे. उससे ये होगा कि उसके बाद जब हम कोई मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो हमारी स्किन प्रॉपर रेडी हो चुकी होगी उस मॉइस्चराइज़र के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्किन मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब करेगी. तो बजाय ये कि हम बाज़ार से बहुत ही हार्श किस्म के टोनर्स लें जिसमें बहुत सारा अल्कोहल भी होता है, वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, ख़ास तौर से जिनकी स्किन पे एक्नी होती है, दाने होते हैं, या जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. तो बेस्ट है कि आप एक आधा कप एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, आधा कप उसमें पानी ऐड कीजिए, एक स्प्रे बॉटल में बनाकर अपना टोनर बना लीजिए, और जब कभी आप फेस वॉश करें तो उसको अपनी स्किन पर लगा लिया करें. इससे आपकी स्किन के पीएच लेवल बहुत बैलेंस रहेगा, और उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा होगा जिनके फेस पर दाने या जो एक्नी वगैरह होती है छोटी छोटी, तो उसको भी बहुत हेल्प मिलती है उसको साफ़ होने में. हमारे बाल हमारी शख्सियत का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, और सभी की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल बहुत अच्छे लगें. बाल अक्सर हमारे रफ, ड्राई और फ्रिज आ जाता है उन बालों में, तो उसका बहुत अच्छा हल ये है कि जब आप शैम्पू करें तो आखिर में जब पानी से बाल धोया जाता है उसमें कंडीशनर की जगह आप पानी में एक हिस्सा पानी और
उसका 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर एक कप है तो उसमें 1/4 कप आप विनेगर डालिए और उस पानी को अपने बालों पर पोर कीजिए आखिर में, और उसके बाद आप देखिएगा कि बाल कितने शाइन करेंगे आपके बालों में, वो ड्राइनेस और वो जो रफनेस होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। नेल कलर्स हम सभी लगाते हैं, अक्सर लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं नेल्स पर नेल कलर। फ़ौरन से लगाने के बाद आप दोबारा अगर लगाते हैं तो नेल्स को ब्रीथ करने का टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा गैप देना चाहिए ज़रूर। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो उससे ये होता है कि नेल्स बहुत येलो येलो से हो जाते हैं, पीले पीले से पड़ जाते हैं। तो उस पीलाहट को ख़त्म करने के लिए जब आप नेल्स से नेल पॉलिश रिमूव करें, उसके बाद अपने हाथों को धो लीजिए नेल्स को, और उस पर कॉटन पर थोड़ा सा विनेगर लगाइए और उससे उसको रब कीजिए अपने नाखूनों पर। तो उससे जो येलोश जो एक कलर होता है, एक पीलाहट जो होती है नाखूनों की, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है ऐसा करते रहने से। दांत पीले पड़ जाते हैं जिसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, बहुत सारे लोग पान बहुत खाते हैं या चाय और कॉफ़ी जो कि बहुत कॉमन है, उसके मुसलसल इस्तेमाल से दांत पीले पड़ जाते हैं। तो इस पीलाहट को ख़त्म करने के लिए आप जब सुबह अपने दांतों को ब्रश करें तो उसमें थोड़ा सा कुछ फ्यू ड्रॉप्स टूथपेस्ट के साथ एप्पल साइडर विनेगर भी लगाइए, उससे आप अपने दांतों को ब्रश कीजिए। लगातार 3 दिन करने से आपको काफ़ी हद तक दांतों की पीलाहट कम होते हुए नज़र आएगी। मच्छर बहुत सारी जगहों पर बहुत मच्छर होते हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, और वो जब काटते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ख़ारिश जो इचिंग वो होती है, और छोटे छोटे से बम्प्स बन जाते हैं रेड। तो अगर ऐसा कभी हो तो डेंगू के मच्छरों के नहीं, लेकिन जो आम मच्छर होते हैं उनके काटने से, या इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके काटने से भी ऐसा होता है। तो कभी अगर ऐसा हो तो एक स्प्रे बॉटल में एक हिस्सा पानी एक हिस्सा विनेगर डालिए और उसको मिक्स कीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए अपने उस जगह पर, तो आपको उस तकलीफ में बहुत आराम मिलेगा और वो स्वेलिंग और ख़ारिश जो है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। हम चाहे कितने फैशन कर लें, कितने महंगे महंगे कपड़े पहन लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन यानी अपनी बॉडी की सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारी शख्सियत उस तरह से निखर कर नहीं आती है। स्पेशली जब हम अपने मुंह में जो बेड स्मेल होती है उसका अगर ख्याल ना रखें, इसके बेड ब्रेथ कहा जाता है, तो खुद भी ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं जिनसे हम बात कर रहे होते हैं और वो उन तक वो स्मेल जाए। तो इससे बेहतर है कि आप जब खाना खाएं तो उसके बाद एक कप पानी लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालिए और उसके गार्गल्स कीजिए यानी उसके गरारे कीजिए 30 सेकंड्स तक, उसको मुंह में रहने दीजिए, गरारा करने के बाद उसको उस पानी को फेंक दीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए साफ। तो उससे ये होगा कि बहुत जल्द आपके मुंह से जो बुरी स्मेल या बैड स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से बालों में खुश्की होने लगती है जब, तो ये पर्सनल हमारी हाइजीन के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारे खुश्की को अगर फ़ौरन से कंट्रोल ना करें तो वो बहुत बड़ी खुश्की में तब्दील हो जाएगी, फिर उसमें स्किन में ख़ारिश होने लगती है और इन्फेक्शन होने लगता है और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि जब थोड़ी बहुत खुश्की स्टार्ट हो उसी वक्त उसको हैंडल करना चाहिए। तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप एक हिस्सा पानी लीजिए और उसमें आधा जो है वो हिस्सा विनेगर डालिए और उसको अपने बालों किसी स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और उसको अपने बालों की जड़ों पर थोड़ा सा स्प्रे कीजिए और उसे 1 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद आप किसी भी अच्छे शैम्पू से, कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो या कोई सा भी माइल्ड शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को धो लीजिए। तो इससे बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो खुश्की जो है आपके बालों की डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। अक्सर हमारे हाथों पर, पाँव की सोल पर छोटे छोटे से डेड स्किन बनती जाती है जो वार्ट्स में तब्दील हो जाती है और वो बहुत सख्त एक बम्प्स छोटे छोटे से दाने से बन जाते हैं जिनको बहुत सारे तरीके होते हैं उनको रिमूव करने के। उनको अगर डॉक्टर के पास जाएं तो उसको फ्रीज़ करते हैं वो डॉक्टर नाइट्रोजन गैस से, तो वो फिर झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ही मुझे तो बहुत लगता है ख़तरनाक तरीका लगता है, जो ब्लेड से काट रहे होते हैं कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा करने से बेहतर है कि आप एक छोटे से कॉटन पर एप्पल साइडर विनेगर लगाइए, प्योर एप्पल साइडर विनेगर, और उसको उस वार्ड पर रखकर और टेप कर दीजिए, बांध दीजिए और उसको ओवरनाइट यानी पूरी रात रहने दीजिए, सुबह उसको हटा दीजिए। इस तरह से 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि वो वार्ड जो है, वो जो बम्प जो है डेड स्किन वाला जो हार्ड सा, वो खुद ही झड़ जाएगा। पाँव
में खास किस्म की स्मेल बस जाती है जिसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। बहुत सारे लोगों को पाँव में बहुत पसीना आता है, या बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है कि उनको बहुत लंबे अरसे तक, बहुत कई घंटों तक जूते पहनने पड़ते हैं, सॉक्स पहनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पाँव में बहुत बैड स्मेल रहती है, गंदी बदबू हो जाती है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक टब में पानी डालिए, नीम गर्म पानी, उसमें 1/4 कप विनेगर डालिए और उसमें अपने पाँव को सोक करके रखिए 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप किसी भी साबुन से अपने पाँव को धो लीजिए तो वो बेड स्मेल बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ये हेयर हैक मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है अपनी पिछली वीडियो 10 स्मार्ट एंड ईजी हेयर हैक्स में, तो अगर आपको और भी इस तरह के हैक्स देखने हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने देखा कि विनेगर के और एप्पल साइडर विनेगर के कितने सारे ब्यूटी हैक्स हैं। सिर्फ ब्यूटी हैक्स ही नहीं, इसकी बहुत सारे लाइफ हैक्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए ताकि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। और साथ ही मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज जो मैंने आपके साथ ब्यूटी हैक्स शेयर किए हैं विनेगर के, उनमें से सबसे ज़्यादा आपको फेवरेट कौन सा लगा, सबसे अच्छा कौन सा लगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। और साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक़ ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर ये विनेगर यानी सिरके के हैक्स आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही जो बॉक्स में आपको वीडियो नज़र आ रही है इसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।